सरकार की तर्ज पर अब पंजाब वालों को भी आम आदमी पार्टी सरकार मुफ्त बिजली का तोहफा देने जा रही है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार 16 अप्रैल को अपने गठन का एक महीना पूरा कर रही है। ऐसे में पंजाब सरकार प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली की चुनावी गारंटी को पूरा कर इसको तोहफा देने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्र का कहना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बम्पर जीत के बाद अब प्रदेश की सरकार चुनावी गारंटी के ऐलानों को पूरा करने की कवायद में जुट गई। वैसे तो सरकार पहले दिन से ही जनता के हित में लगातार बड़े कदम उठा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी गारंटी मुफ्त बिजली है, जिसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के दौरान जनता के बीच ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में वादा किया था कि वो जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। अब बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल से प्रदेश की जनता को पंजाब सरकार की ओर से मुफ्त बिजली देने का तोहफा मिल सकता है। शनिवार को प्रदेश की आप सरकार गठन का एक महीना पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि फ्री बिजली देने के मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से जो सरकार को फीडबैक दिया गया है, उसी पर सरकार अब अमल करेगी। भगवंत मान सरकार की ओर से लोगों से किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करने पर उसे 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। वहीं पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को राय दी है कि बिजली फ्री करने के वादों को गर्मी के मौसम में लागू करने की बजाय मानसून में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार 73.39 लाख उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना चाहती है। इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मुफ्त बिजली को लेकर मान सरकार को अपनी सलाह दी थी। ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 301 ਜਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਰੇਟ ਇਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਿਰ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 300 ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। अब चन्नी ने तो सरकार को सलाह दे दी है, लेकिन देखना होगा कि शनिवार को मान सरकार क्या फैसला लेती है। माना तो यही जा रहा है कि अपनी सरकार के एक महीना पूरे होने पर सीएम भगवंत मान 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर सकते हैं। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।